दिग्रस शहर के कई इलाकों में इन दिनों अपर्याप्त जलापूर्ति का संकट गहरा गया है। इस समस्या के लिए जहां पालिका प्रशासन बार बार खंडित हो रही महावितरण की बिजली आपूर्ति सेवा को जिम्मेदार बता रहा है, वहीं महावितरण ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। शहर के कई रिहायशी इलाकों में बीते कई दिनों से जलापूर्ति सेवा में जारी बिगाड़ की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि मोतीनगर, चांदनगर, संभाजीनगर, सुभाष नगर, गौलीपुरा सहित अन्य इलाकों में 10 से 15 दिन बाद जलापूर्ति होने से नागरिकों में रोष व्याप्त है। इस समस्या को लेकर जब NBCN न्यूज चैनल ने नगरपालिका प्रशासन और महावितरण से संपर्क किया, तब दोनों विभागों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। आमचं जे अरुणावती जो तिथे जे जॅकवेल आहे, तिथे वारंवार लाईनचा प्रॉब्लेम येतो। म्हणजे एका तासामध्ये कमी 2-3 वेळा लाईन ट्रिप होते। त्याच्यामुळे काय होते की ते जेव्हा आपण सप्लाय चालू करतो, सप्लाय चालू केल्यानंतर नेमकं त्याच्यानंतर थोडंसं 1-2 मिनटासाठी जरी 5 मिनटासाठी लाईन गेली तर ते पाण्याचं मोमेंटम तुटून जाते। त्याच्यामुळं नागरिकांना कसं पाण्याचा इंटरप्ट सप्लाय होऊन जातो आणि त्याच्यामुळं हा प्रॉब्लेम आपला हे होतो। कधी तांत्रिक अडचणी पण आहे की कधी वाऱ्यामुळे याच्यामुळे समजा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटकडून काही म्हणजे मेंटेनन्सचे कामं निघाले, 3-4 तास त्यांनाही दुरुस्तीसाठी लागतो। एक प्रॉब्लेम आहे, एक घंटे में करीबन 2-3 बार ट्रिप होती है, 5-10 मिनट। हमको अरुणावती से पानी लाने में दिक्कत जाती है और वो वहाँ से चालू करने में 1 घंटा करीबन पास होता हमारा देवनगर पानी आने के लिए। देवनगर से हम भवानी टेकड़ी सप्लाई करते पानी, उतनी देर में ये लाइन वापस ट्रिप हो जाती है तो पानी नहीं मिलता। इस समस्या पर पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने इसके लिए महावितरण की कार्यप्रणाली तथा बिगाड़पूर्ण नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि उन्होंने दिग्रस में आते ही जलापूर्ति सेवा में बरसों से जारी अव्यवस्था और तकनीकी समस्याओं को दूर किया, जिस वजह से जलापूर्ति सेवा में काफ़ी हद तक सुधार भी आया। लेकिन बीते कुछ दिनों से बार बार ट्रिपिंग होने से जलापूर्ति सेवा में रुकावटों का दौर जारी है। आता आपल्याला माहितीच आहे की गावातही लाईन थोडीशी हवा आली तरी लाईन चालली जाते आणि कितीतरी वेळपर्यंत लाईन येत नाही। आमच्याकडे तसंच आहे, आमच्या जेवढे दोन्ही फिल्टर प्लांटवर थोड्या थोड्या वेळामध्ये ट्रिपिंग होत राहते, गेले ते कधी व्होल्टेज कमी कधी जास्त करतात, त्याच्यामुळे आमच्या मोटारी जळून जातात। आणि एकदा लाईन म्हणजे आमची टाक्या भरल्या आणि पाणी सुरू करायचं असलं तरी लाईन चालली जाते, तर 9-9 तास लाईन येत नाही। आणि ह्याविषयी आम्ही मागे जिल्हाधिकारी सरांनी आमची VC घेतली, त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही सांगितलं की आमच्याकडे पाणी पुरवठ्याचा कुठलाच तुटवडा नाही आहे, परंतु MSEB त्यांचे कुठले प्लॅनिंग नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्यामुळे MSEB वारंवार लाईन ट्रिपिंग होते आणि म्हणून आम्ही पाणी पुरवठा करू शकत नाही। आणि आम्ही तुम्हाला माहिती आहे आम्ही खूप चांगल्या प्रकारे सुरळीत आणलं, म्हणजे जे 15-15 दिवसाला पाणी येत होतं शहरामध्ये, आम्ही दुसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी पाणी द्यायला लागलो होतो। पण मागच्या महिन्यापासून हे MSEBच्या या त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे आम्हाला इलेक्ट्रिसिटी करंट बरोबर मिळत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही पाणी लोकांना देताना आम्हाला अडचण होते। जबकि इसी मुद्दे पर महावितरण के सहायक अभियंता रितेश बोबड़े ने फोन पर बताया कि बिजली का खंडित होना बारिश, हवा, तूफान और खराब मौसम पर निर्भर होता है। महावितरण के कर्मचारी हर बिगाड़ को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। जहां तक ट्रिपिंग की बात है तो मौसम साफ रहा तो मात्र 5-10 मिनट में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से पूर्ववत की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि नगर पालिका प्रशासन अगर महावितरण से जलापूर्ति के लिए विशेष तौर पर एक्सप्रेस फीडर का आवेदन करता है तो इस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से निकल सकता है। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, नगर पालिका प्रशासन और महावितरण विभाग में पहले की तुलना में कार्य तत्परता के लिहाज से काफ़ी इजाफा हुआ है। अपने अपने विभागों से जुड़ी नागरिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए दोनों विभाग प्रतिबद्ध है। ऐसे में जलापूर्ति सेवा में जारी बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों विभाग आपस में मिलकर समस्या से निपटने के लिए एक साथ आते हैं तो निश्चित ही जल संकट और जलापूर्ति से जूझ रहे नागरिकों की समस्या से लदी दुखद यात्रा वाली ट्रेन को सुखद समाधान के सफर में बदलते देर नहीं लगेगी। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।